ओम श्री सत्य नारायण भगवान की जय। तो आज हमारे घर में है सत्य नारायण भगवान की कथा, और आप भी आ जाइए, आपका स्वागत है हमारे घर में। और ये देखिए, साफ़ सफाई कर दी है मैंने अच्छे से, और जो भी सामान यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि पंडित जी ने जो जो बोला था सब आ गया है, तो ऐसे रखा है। उन्होंने कहा था कि आके मैं अच्छे से उसको सेट करूँगा, सेट करने में मुझे 1 घंटे लगेंगे ऐसा उन्होंने बोला था। हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से थोड़ा सा अपना साड़ी का लुक दिखा देती हूँ। मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, पिंक कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी शादी वाला वीडियो किसी ने देखा है तो बताइएगा, फिर से जाके देख सकते हैं। इसी पिंक कलर का ही मेरा जयमाल वाला जो लहंगा था वो था, और मुझे पिंक कलर बहुत पसंद आ रहा है। ऐसे मतलब गोल्डन और पिंक ही लहंगा था मेरा, तो शादी के सालगिरह में 7 सालों बाद मैंने पिंक पहना है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरी साड़ी। और ये देखिए, अभी मैं ऐसे ऐसे करके साड़ी कैसी लग रही है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जब साड़ी पहन लेती हूँ ना, खूब सारा मैं मटकने लगती हूँ, हम कई बार देख चुके होंगे। आद्यांत का ना स्कूल नहीं था, नेक्स्ट डे उसके स्कूल में फंक्शन था, तो यहाँ पे छुट्टी थी आद्यांत की वेंसडे को, और अंश गया था। मैंने कहा हाफ डे में आ जाना, और पंडित जी भी थोड़ा लेट आए तो बढ़िया था, मतलब टाइमिंग वही 12:30 के बाद ही आए, और बहुत सही है। देखिए यहाँ पे भाभी जी भी आ गई हैं और गांठ जोड़ रही हैं, खूब मजाक कर रही हैं, मजाक करें कह रही चलिए फिर से शादी करा देते हैं आपके एनिवर्सरी पे, यही सब चल रहा था। और भाभी जी के आने से बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी नहीं आ पाया वर्किंग डे में, बुधवार को कौन ही आ पाएगा। ओम अपवित्र पवित्र सर्वावस्थान गतो वपिवाय स्मरेत पिंडरीका पुंडरीकाक्ष सेवाया वयंतर सुचि आसाधोये। ओम हरिहराय नमः, हस्तं प्रक्षालयामि। सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। शबलम देव बलम तदेव ताराबलम चंद्र बलम तदेव लक्ष्मी पते अस्ते अग्रे विगेश्वरामि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधर तत् श्री विजयो भूतिर्भुजी का फिर माता आदिशक्ति का कुल देवी देवता का ऐसे ध्यान करते हुए सबका आह्वान कीजिए। आत्मन रोग दोष कष्ट पीड़ा निवारण अर्थम स्मृति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त अर्थम सपरिवारस्य मम संकल्पं करिष्यामि द्रव्य पुष्पांजलि समर्पयामि। पद और भगवान से बोलिए कि ये प्रभु आप सब यथास्थान पर विराजमान हैं। ओम नाना रत्नम समायुक्तम कार्तरम संविभूषितम आसनम श्री सत्यदेवाय प्रीतेदम प्रद्गृहाताम श्री सत्यदेवाय नमो नमः। श्री कलश देवताभ्यो नमो नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। कोटिश मातृकाभ्यो नमो नमः। 33 कोटि देवी देवताभ्यो नमो नमः। ताम भूलम प्रद्गृहाताम श्री सत्यदेवाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। कलश देवताभ्यो नमो नमः। 33 सर्व पाप हरम दिव्यम गांगेयम निर्मलम जलम समर्पयामि। ठीक है ना, तो इस कथा का प्रतिपादन सबसे पहले कब किया गया पृथ्वी पर, तो इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए। मेन चीज कथा सुन करके, जैसे कथा क्या है, कथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के व्यंजनों का वर्णन है। भूख लगी है, आपके सामने मेनू आ गया, सब सामग्री की लिस्ट आ गई कि भाई ये भोजन यहाँ पर मिलेगा, लेकिन आप उस भोजन को खाली पढ़ करके भूख शांत होएगी नहीं होएगी। ऐसे ये परमात्मा की कथा है, ठीक है, जो कथा हम सुनते हैं सुनाई जाती है, तो उसके ऊपर हमें अमल करते हुए उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो इस कथा का प्रतिपादन जो है कब किया गया, इसी कलयुग में ही किया गया, कलयुग में, ठीक है ना। और ये सतयुग से कथा चली आ रही है, ठीक है। सत्य नारायण, सत्य का मतलब होता है परमात्मा ईश्वर, नारायण का मतलब होता है कि नर रूप में जिसका आगमन हुआ,
तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं मानव के कल्याण के लिए, तो वह तो अनेक अनेक जीवों के रूप में भी अवतार लिए, लेकिन जब वो नर रूप में आते हैं तो वो नारायण कहलाते हैं। और इस कथा को सुन करके व्यक्ति अनेक प्रकार के रोग दोग से छूट जाता है, अपने विपत्तियों से वह छुटकारा पा जाता। दर्शन कर लीजिए सत्यनारायण भगवान के। दैविक चुप रहो थोड़ा, ये देखो यहाँ पे देखिए लाइट जला दूँ, ये देखिए दर्शन कर लीजिए, बहुत अच्छी से पूजा हो गई। और अभी यहाँ पे हवन होने जा रहा है। प्रणाम पंडित जी, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे करो बस, देवी का रंग की मस्ती चल रही है, आनंद लीजिए। बहुत अच्छा पूजा संपन्न हुआ है। और ये ऐसे ऐसे खींच के जा रहे हैं इधर, नहीं मैं गेट बंद करने के चक्कर में इधर उधर जा रहा हूँ। वो अग्नि देव रूप तत्व कर्म उसमें मत डालिए, वो अग्नि देव रूप तत्व कर्म साक्षी वहां विघ्न कृत यावत हवनम संपन्नम शास्त्रावत। घर में दिखा दीजिए। ओम गणपतये नमः, शांति शांति। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, काली माता की जय, गणेश भगवान की जय, गौतम हनुमान की जय, करस देवता की जय, नवग्रह देवता की, वास्तु देवता की, स्थान देवता की, माता पिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बस पूजा संपन्न हो गई और देखिए प्रसाद ग्रहण किया। ये वाला प्रसाद जो होता है चरणामृत सबसे मेन होता है। और एक पंजीरी भी बनाई जाती है, शॉर्ट वीडियो कुछ भी मैं ज़्यादा ले नहीं पाई। देखिए पंजीरी सामने रखा हुआ है, तो ये पंडित जी से हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हुए, उसके बाद ना खाना बना हुआ था तो सब लोगों ने खाना खाया, पंडित जी भी ने भी खाया। तो ये देखिए पंडित जी की थाली मैंने लगा दी है और भाभी जी ने गर्मा गर्म पूरियाँ तली और बस सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। तो दोस्तों ये देखिए हमारी भाभी जी यहाँ पे आई हुई हैं
और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे पूजा में कोई नहीं आ पाया आज है बट अच्छा हुआ बस भगवान की कथाएं जो कथा सुने बहुत अच्छा लगा और भाभी जी बस आ पाए और कोई नहीं आ पाया क्योंकि बुधवार था वो होते होते 4 बज गए तो बस चलिए बने रहिए वीडियो में और आगे देखिए कहाँ चलते हैं एनिवर्सरी का जो मेन काम था मेरा जो प्लान था वो हो गया पति देव का प्लान देखिए भाभी जी क्या करते हेलो जी सब लोग गाड़ी में आ चुके हैं है? और जी बताइए क्या हाल चाल है भाभी जी को छोड़ने के लिए आए थे कम से कम भाभी जी तो हमारी आ पाई नहीं तो कोई भी नहीं आ पाया और ये जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं इंटरनेशनल सिटी फेज 2 है तो भाभी जी को छोड़ दिए ही अब हमारा प्लान एनिवर्सरी वाला खत्म इनका शुरू है मेरा प्लान शुरू मेरी एक्टिविटी शुरू अभी हम लोग जाएंगे करामा और थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे फिर खाना खाएंगे फिर वापस आएंगे सुबह से मतलब ये था कि कथा हो गई बहुत अच्छा लगा ये पंडित जी मुझे बहुत अच्छे मिले हैं तो ऐसा ही था जी बड़ा आनंद आया कथा सुनने के बाद और हमने आद्यांत के पैदा होने के बाद पहली बार कथा सुनी है सत्यनारायण भगवान की जो कि मुझे बहुत इच्छा थी बहुत सालों से समझ लीजिए वो मेरी इच्छा आज पूरी हुई तो आज मेरे लिए कितना स्पेशल दिन हो सकता है और बड़ा अच्छा सुकून लगा मतलब भीड़ भाड़ भी नहीं रहती ना तो सुकून से कथा में ध्यान देते हैं और पंडित जी अगर अच्छे मिल जाए तो और मजा आ जाता है नहीं पंडित जी बड़े अच्छे मिल गए तो, चलिए ये देखो दोस्तों घर आ चुके हैं हम लोग और आ चुकी है हमारी जुगाड़ वाली पेस्ट्री रस मलाई केक केक का छोटा भाई कहाँ से कहाँ एनिवर्सरी का ये वो होते होते हम लोग घर पे आ गए मुझे ऐसे ऐसे गाड़ी घूम रही थी ना भाभी को छोड़ने के बाद इंटरनेशनल सिटी से मैंने कहा अभी मुझे घर जाना है बर्दुबई शाम को जाना अच्छा आइडिया नहीं होता बर्दुबई करामा बहुत ट्रैफिक होती है तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ तो नेक्स्ट सैटरडे के लिए भी रखते हैं और आज का दिन वैसे भी सुबह मतलब 5-6 बजे से शुरू था और बहुत ही बिजी बिजी सा भगवान जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला और कथा सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगा पता नहीं लोगों ने वीडियो क्या लिया है क्या नहीं लिया है और मैं क्या शेयर करूंगी लेकिन बहुत अच्छा लगा पंडित जी तो लंबा चौड़ा मुझे लग रहा है गांव में पूरा पूजा हो गया बहुत लंबा चौड़ा कथा का और बड़ा अच्छा लगा बड़ा समझा सुना के उसके बाद एक अध्याय कहते थे ना तो उसके बाद बोलते थे इससे आपने क्या सीखा अगर एक भी पहले मैं इसमें ना समझ गई थी कि इनको ध्यान से सुनना है अगर एक भी वर्ड भूल जाऊंगी तो कहेंगे क्या सुना बताओ कहेंगे तुम लोग सुन रही सो रही हो पंडित जी बड़े मस्त थे भाई हम लोगों के तरफ के ही थे उधर यूपी से ही तो बड़ा अच्छा लगा और ये है एनिवर्सरी का केक हमारा जो कि रसमलाई केक आनी चाहिए थी यहाँ के बीकानेर में ना इंटरनेशनल सिटी सिलिकॉन में हर जगह केक ऑर्डर देना पड़ता है तब मिलता है जैसे करामा में है तो मिल जाता है ना करामा में अनस्पॉट मिल जाता है तो जो भी है दोस्तों आप शायद समझ गए होंगे और कपड़े यहाँ पे जो पार्टी के लिए एनिवर्सरी के लिए पहने गए धीरे धीरे उतरने लगे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और केक भी यहाँ पे अद्दू भरा गया है अंश ने बनाई है गर्मा गर्म चाय हमारे आने के बाद और मैंने कहा जल्दी से केक काट लेते हैं और थोड़ा खा पी के बस सो जाते हैं जो भी थोड़ा बहुत है घर में जो बचा हुआ दोपहर में जो पूरी सब्जी ये सब बचा हुआ था वही सब है कुछ कुछ खा के हम लोग सो जाएंगे और ये लोग ये इनका बहुत स्पेशल है बहुत दिन से इन्होंने मेहनत की है अपना डांस पार्टी ये वो तो मैंने कहा अंश के आदू के साथ क्या बोलते हैं फेयर नहीं होगा अगर इनको लेके मैं बाहर गई घूमी तो ये थक जाएंगे फिर सुबह अच्छे से नहीं उठेंगे मतलब परेशान होंगे हैप्पी एनिवर्सरी टू अस कितने साल हुए 15 ईयर लास्ट 15 ईयर इतने साल हो गए इस आदमी के साथ काटो ये देखो ये हैप्पी एनिवर्सरी टू अस एनिवर्सरी हो गई हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू अस चलो भाई तो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक करिए शेयर करिए और सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करिए जिसने बहुत दिन से पेंडिंग सोचा हुआ है ना तो जहाँ हो वहीं करा लो जैसे हम लोग सोचते हैं इंडिया जाएंगे तो कराएंगे ये वो होता रहता था बहुत सुकून मिलता है बहुत अच्छा लगता है तो कराइए और स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और एकदम व्यस्त रहिए।